match the correct pair. इसमें आंसर डी है. नेजा का भील, इंडोनी का कालवेलिया, तेरा ताली का कामड और वलार का गिरासिया. वेयर इज द मेन पीट ऑफ निम्बाक सेक्ट? द आंसर इज एट सलेमाबाद. झेला जमेला पीपल पत्रा अगोत्या आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ? द आंसर इज ईयर. टेक्निकल रिपोर्ट ऑफ ग्राउंड वाटर सर्वे ऑफ 1971 डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन सर्वे? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन सबका तो सर्वे रिपोर्ट आई थी मगर उदयपुर की नहीं आई थी. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उदयपुर. बारह सितंबर को राजस्थान में किस स्थान पर ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका आंसर है केजड़ी विलेज. राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं धोकड़ा ट्री, विच इज नॉट एन ओर ऑफ लेड जिंक, तो कैलामाइन, जिंकाइट, गैलेना. ये तो लेड या जिंक के ओर हैं लेकिन हेमेटाइट जो है आयरन का ओर होता है. तो यहाँ पर आंसर होगा हेमेटाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू द यादव डायनेस्टी? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर है भाटी. हु वाज द फाउंडर ऑफ अजमेर सिटी? इसका आंसर है अजयराज. कर्नल जेम्स टॉट ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? इसका आंसर होगा बैटल ऑफ दिवेर, दिवेर का युद्ध. थ्रू विच न्यूज़पेपर डेड विजय सिंह पथिक पॉपुलराइज बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया? किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? वो न्यूज़पेपर था केसरी. वेयर वॉज आज़ाद मोर्चा कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंडक्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? जयपुर में. विच लैंग्वेज ऑफ राजस्थान हैज़ मराठी इन्फ्लुएंस? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो इसका आंसर है मारवाड़ी. वॉट अमाउंट इज गिवन विद द अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार? अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो इसका आंसर है 51,000. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देव नारायण पनोरमा वॉज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर? राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देव नारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया जो कि था भीलवाड़ा? कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल आर्काइव इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बीकानेर में. पिंक बॉल वॉर्म वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज हार्मफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? पिंक बॉल वॉर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? तो इसका आंसर है कॉटन. इन दिल्ली फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमोबाइल वॉज इम्प्लीमेंटेड? दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ था? तो BS6 भारत स्टैंडर्ड 6 तो दिल्ली में लागू हो चुका है लेकिन अभी जो करंटली चल रहा है ना वो BS4 चल रहा है. तो BS5 को स्किप कर दिया गया और सीधे BS6 इम्प्लीमेंट हुआ है. तो इसका आंसर है BS6.
In India, the first skill university was started in which one of the following states? Rajasthan. Rajasthan's first mega food park was inaugurated in which of the following district? So, its answer is Ajmer. Bharat Singh Shekhawat Antyodaya Swarojgar Yojana योग्य परिवारों को 50,000 का ऋण प्रदान करेगी. तो इसका आंसर है 50,000. Which artist out of the following artist of Rajasthan is working with designer vessels made of clay? मिट्टी के designer पात्रों का कार्य करने वाले कलाकार इनमें से कौन है? तो ये हैं कृपाल सिंह शेखावत. बी. कौन से जले का प्रतीक मोर है? पिकॉक. तो अजमेर के का जो सिंबल है वो पिकॉक है. तो आंसर क्या है? अजमेर. मुकंदरा हिल नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? 10 अप्रैल 2013 को राजस्थान गवर्नमेंट ने मुकंदरा हिल नेशनल पार्क को नेशनल पार्क घोषित किया था. तो आंसर डी है. कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो खेर के वृक्ष से कत्था निकलता. तो आंसर सी है. सूखा संभावित क्षेत्र ड्रॉट प्रोन एरिया ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1973-74 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. तो आंसर डी है. स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए मशीन में इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट क्या है? तो 25 लाख से 5 करोड़ तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है. 25 लाख से कम होता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज हो जाती है. तो आंसर यहाँ पे डी है. किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं. चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना. तो आंसर यहाँ पे सी होगा. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो मुख्य कार्य हैं वो दोनों ही ऑप्शन सही हैं. इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट पावर स्टेशंस और डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स अंडर स्टेट सेक्टर. तो ऑपरेशन भी करता है, मेंटेनेंस भी करता है और डेवलपमेंट भी करता है ये. तो इसका ऑप्शन बी सही है. ए और डी दोनों सही हैं इसलिए बी ऑप्शन सही. इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया कोटा में है. तो ऑप्शन ए सही आंसर. राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ जैस्पर, लैड एंड जिंक एंड वॉलेस्टोनाइट. तो ऑप्शन बी आंसर है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके तहत 2012 में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया गया था. तो ऑप्शन बी सही है. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर सी है. यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है. राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1953 कब अमेंड हुआ था, कब संशोधित हुआ था? 1994 में ये संशोधित हुआ था. तो आंसर बी. होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राजस्थान कौन से बेस ईयर में कैलकुलेट की जाती है? 1999-2000 ये बेस ईयर हम कंसीडर करते हैं राजस्थान की होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए. तो आंसर डी है. अविका कवच बीमा योजना किस केस के ऊपर प्रभावी है? भेड़ की अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ होने पे अविका कवच बीमा योजना प्रभावी होती है. तो आंसर डी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर की तरफ से किस राज्य के विद्युत विभाग को सर्वश्रेष्ठ कार्यरत
पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया, राजस्थान को दिया गया था, तो इसलिए आंसर सी है। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध सूर्य से है, तो ऑप्शन डी आंसर है, सही है। इंडिया की फर्स्ट बायोमीथेन जैव मीथेन बेस्ड बस किस कंपनी ने लॉन्च की थी? टाटा कंपनी ने लॉन्च की थी, आंसर डी राइट है। मोहन ने दो गाय 30,000 रुपये में खरीदी, एक गाय को 15% लॉस में बेचा और 19% एक को वो प्रॉफिट में बेचा, दोनों गायों की कीमत मिलाकर 30,000 रुपये है और दोनों की ही सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी दोनों गाय की अलग अलग कीमत क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया है, 100 माइनस लॉस अपॉन 100, तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है 15% का, तो 100 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस CP, CP दोनों की मिला के 30,000 है, तो एक की हुई 30,000 माइनस CP और एक की हुई CP, तो हमने एक में ले लिया 30,000 माइनस CP इज इक्वल टू X, X यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस। दूसरी इक्वेशन हमने बनाई 100 प्लस 19 प्रॉफिट हुआ है 100 इंटू CP, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया CP इक्वल टू X, X दोनों का सेम है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए हमने दोनों में एक X वेरिएबल लिया है। एक और दो इक्वेशन को हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा CP इज इक्वल टू 12,500, तो दूसरी गाय कितने की होगी 30,000 माइनस 12,500, तो दूसरे की CP दूसरी गाय की CP 17,500 हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा D। सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:9 होगा, क्योंकि रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आंसर सी करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इक्वेशन कौन सी है जिसका सॉल्यूशन नहीं आता, तो आप ए बी और डी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, मगर जब सी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका आउटपुट -2 = 0 आता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको एक क्यूबॉइड और एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम 20 सेंटीमीटर है, अगर इसकी डायगोनल 6√6 है तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने L प्लस B प्लस H 20 लिया है, डायगोनल इसकी दे रखी है 6√6, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H² तो 6√6 को हमने इक्वेट किया, 6√6 का स्क्वायर किया तो 216 आता है, तो 216 इज इक्वल टू L² + B² + H² हुआ। अब हम L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू L² + B² + H² + 2 LB + BH + HL, तो यहाँ पर हमारे पास L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है, तो हमने उसको पुट किया 20 का होल स्क्वायर, तो 400 आता है इज इक्वल टू L² + B² + H² 216 है, वो पुट करते हैं तो हमारे को 2 LB + BH + HL मिलता है, जो कि 184 होता है, यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, इसलिए इसका आंसर 184 हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, log(a^b) = m, तो a = b^m, इसी फॉर्मूले को हम लगाते हैं इस इक्वेशन में, तो जो लेफ्ट मोस्ट log(10) है वो 10 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 10^0 हो जाएगा, 10^0 1 होता है, तो रिमेनिंग साइड लेफ्ट साइड में log(x^4) log(2) रह जाता है। अब फर्दर हम
2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, बेस 2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा लॉग x टू द बेस 4। इसके बाद फर्दर सेम प्रोसीजर से 4 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 4 टू द पावर 2, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x रह जाएगा, तो जो कि हमें फाइंड करना था, तो x इज इक्वल टू 16। तो आंसर यहाँ पे सी है। इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक घन का आयतन दिया हुआ है जो कि है 128√2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको बताना है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, घन के एक फलक का क्षेत्रफल आपको बताना है जो कि होता है एल स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है एल क्यूब। तो आपको सबसे पहले 128√2 का क्यूब रूट निकालना होगा, फिर जैसे कि आपका साइड निकल आए और साइड का स्क्वायर करना होगा, जैसे अपन देखते हैं आगे सॉल्यूशन। इधर हम एल क्यूब इज इक्वल टू 128√2 लेते हैं, जिसके हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है एल 4√2 मिल जाता है। आप दूसरी तरीके से भी फैक्टर कर सकते हैं, या हमने इसे इसके फैक्टर्स निकाल के हमने क्यूब रूट निकाला है तो हमें एल इज इक्वल टू 4√2 मिलता है। अब हमें कुछ नहीं करना, एल स्क्वायर निकालना है जो कि 32 आ जाता है, और इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 साल में एक अमाउंट डबल हो जाता है, तो बताइए 8 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+R/100 की होल पावर n इज इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से पी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को 1+R/100 की होल पावर 5 इज इक्वल टू 2 मिलता है। अब इसको 8 टाइम्स बनाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 3 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ओके 2 × 2 × 2 8 टाइम्स बनाने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को 15 पावर मिलती है, 5, 5 एंड 5, तो 15 सालों में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है 15 ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% और 25% है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो इसका आंसर है 46%। इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें मिलिट्री का 59% है और टोटल एक्सपेंडिचर है 120 करोड़। तो आपको बताना है कि मिलिट्री का कितना करोड़ एक्सपेंडिचर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं अपन। इसमें आप क्या करेंगे, 59% ऑफ 120 निकालेंगे तो सीधे 70.8 करोड़ आपका सॉल्यूशन आ जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। साइन 2A इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 18 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या होगी, 18। इस क्वेश्चन में 10 नंबर्स दिए गए हैं और आपसे मीडियन पूछा गया है, और जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी। अब ये कहते हैं 7th ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम 4 से इंक्रीज़ कर दें तो मीडियन कितना इंक्रीज़ होगा, जबकि अपने को जैसे कि पता है कि मीडियन जो होता है वो n/2, जब ऑड टर्म्स होती हैं तब n/2 होता है, और जब इवन होता है तो n/2 + n/2 + 1 टर्म का एवरेज होता है। तो 7th ऑब्जर्वेशन तो ना तो n/2 है ना n/2 + 1 है, वो तो उसके बाद आती है, तो जिसका कोई इफेक्ट मीडियन पे आएगा नहीं, तो इसका मतलब मीडियन में कोई इंक्रीज ना डिक्रीज होगा, तो आंसर डी होता है 0। ये एक लॉग का क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को किया हुआ है तो सीधे ही इसका आंसर 1 आता है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना होगा, लॉग ए टू द बेस बी को हम लॉग ए अपॉन लॉग बी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम तीनों टर्म को एक्सपेंड करेंगे और तीनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल होने के बाद 1 आउटपुट देती हैं, सो आउटपुट क्या, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या है, सी। इस क्वेश्चन में
डायरेक्ट एक फार्मूला पूछा गया है आपसे, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ पी परसेंट क्यू परसेंट, तो वो होता है पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100, जो कि है ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपसे मीन पूछा गया है, 13 नंबर्स का मीन 24 दिया गया है, और अगर तीन नंबर सभी नंबर्स में ऐड किए जाते हैं तो नया जो न्यू मीन होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को मीन का फॉर्मूला देखना होगा, मीन इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर जो मीन दिया हुआ है वो 24 है, और सम जो है, और सम हमें एज्यूम करना है, तो हमने सम टर्म ली अपॉन 13, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है 13, तो सम कितना हो जाएगा 24 इंटू 13 जो कि है 312। अब हमें पता है यहाँ पे 13 टर्म्स हैं, तो तीन नंबर हर टर्म में ऐड करने पे वो कितनी हो जाएंगी 39, तो 312 में हम 39 ऐड करेंगे, तो अब नया जो सम होगा वो 351 हो जाएगा। तो नई जो मीन निकलेगी वो होगा 351 डिवाइड बाई 13 जो कि होता है 27। तो यहाँ पे आंसर क्या है 27, ऑप्शन बी। प्रिज्म का कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, वो कलर है ब्लू, तो ब्लू आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा 34 डिग्री, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर है। When several resistors of different values are combined in parallel and connected across a battery, then the current flowing in different resistors and potential difference across their end, then option is C. The value of current will be different but potential difference will be same for all the resistors. विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभांतर, ऑप्शन सी, धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में जो एसेंशियल डिफरेंस है वो है ऑप्शन सी, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस की तरह ट्रीट करने के लिए, आवर्धक लेंस के लिए बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, तो ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखना होगा, नियर टू द लेंस, ऑप्शन ए आंसर है। इफ 100 वॉट बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए हमने 100 वाट का बल्ब जलाया तो बिजली की मात्रा कितनी खपत होगी, तो इसका आंसर होगा 1 किलोवाट, सी ऑप्शन। एक पर्सन को मिरर में फुल लेंथ देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर पर्सन की हाइट 6 फीट है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिरर की हाइट मिनिमम पर्सन की हाइट से हाफ होनी से ज़रूरी है, तो यहाँ पे 6 फीट है तो ऑप्शन क्या होगा 3 फीट। अ फार साइटेड पर्सन कैन रीड अ बुक कैप्ट एट यूजुअल डिस्टेंस बाय लुकिंग थ्रू अ पिन होल, बिकॉज वाइल लुकिंग थ्रू द पिन होल the focal length of eye lens is decreased, so answer is D. एक 2 कूलम आवेश को 10 कूलम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, यहाँ पर आंसर है D. एसी इलेक्ट्रिक मोटर में करंट की जो डायरेक्शन है वो कॉइल के आधे रोटेशन में चेंज होती है, तो
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी, हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। The phenomena in which changing magnetic field in a conductor produces induced current in another conductor is called electromagnetic induction. So answer is C. Dry cell, शुष्क cell एक तरह का primary cell है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्विक लाइम को अगर क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, क्विक लाइम। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, यहाँ पे आंसर है ए। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर इज बेकेलाइट, सो आंसर इज बी। सीएफसी रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन नहीं होती, तो आंसर डी है। स्टार्च आयोडाइड पेपर इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो आंसर इज डी। चूने के पानी में, लाइम वाटर में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, सो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में जब कैटलिस्ट उत्प्रेरक प्रयोग में लिए जाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट होती है या सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है, तो यहाँ पे आंसर ए सही है। विशोषण या डिसॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमज़ोर पड़ जाता है और वह टूट जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, डिसॉर्प्शन या विशोषण। पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन आने पे एल्कली मेटल्स या क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन डी सही है।
Chemical formula of plaster of Paris is CaSO4 half H2SO4. Option A is correct. क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। ये इसका आंसर सही है। GMO stands for genetically modified organism. Answer B. यहाँ पे typhoid correct answer है क्योंकि typhoid bacteria से होता है. So answer B is correct. इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होती है, तो आंसर ए इज़ करेक्ट। अ थिक फ्लैशी ग्रोज हॉरिजॉन्टली हैविंग ड्राई स्केल लीव्स टर्मिनल बड्स एडवेंचियस रूट्स कॉल्ड एज राइजोम। सो आंसर सी इज करेक्ट। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं अलील। आंसर डी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? XX-XY। सो बी इज करेक्ट। अ फूड चेन खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। सो आंसर बी इज करेक्ट। सिम्टम्स ऑफ RH डिजीज, इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। लैक ऑफ एनर्जी, लार्ज एब्डोमेन, फास्ट हार्ट रेट। तो आंसर सी सही है। बॉडी में RBC या लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो बी इज करेक्ट। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ DNA इन 1953। सो आंसर बी इज करेक्ट। द डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट इज कॉल्ड ह्यूमस। सो आंसर बी इज करेक्ट।
अधिक सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है एलगी के थ्रू, सो आंसर बी इज करेक्ट। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो सी आंसर सही है। The branch of science that deals with the environment is called ecology. So answer is correct. Vikram Sarabhai is known as father of Indian space program. So A is correct. Drupal is an open source platform. बाकी MySQL, MSXS और Oracle database management software है, इसलिए Drupal answer है। URL is a global address used to locate resources on the internet. So A is the answer. Full form of Gagan, a satellite of ISRO. GPS aided geo augmented navigation. C option. कॉम पोर्ट को सीरियल पोर्ट भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर इज एपिक, सो आंसर सी इज करेक्ट। ग्लोबल स्टार उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। IRS सीरीज सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर फॉरेस्ट्री, सो डी इज करेक्ट।